युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज के 49वीं एवं राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की चतुर्थ पुण्यतिथि समारोह के युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी हंस देवाचार्य जी महाराज ने कहा कि महंत दिग्विजयनाथ जी ने राजनीति को धर्म के खूंटे से बांधा। योग और सांख्य एक है, अलग अलग। भक्ति और योग में दोनों दो धाराएँ हैं या एक। ये द्वंद आधुनिक युग के प्रबुद्धों में सर्वाधिक प्रभावशाली बना और अब बात बात पर ये बात कही जाती है कि संवेदनात्मक मुद्दों पर राजनीति ना की जाए। ये इसलिए कहना पड़ता है कि राजनीति छुट्टा हो गई है, वो धर्म और नैतिकता विहीन हो गई है। इस पीठ ने इस समस्या का समाधान प्रस्तुत किया। दोनों ब्रह्मलीन महाराज को सच्ची श्रद्धांजलि उनके वैचारिक अभियान को निरंतर बढ़ाते रहना ही है। लोकसभा एवं विधानसभा में निष्पक्ष निडर आवाज बनी है श्री गोरक्षपीठ। राजनीति का शुद्धिकरण करने का अभियान महंत दिग्विजयनाथ जी ने चलाया, जो अनवरत अब तक गोरक्षपीठाधीश्वर की महंत परंपरा का हिस्सा बन चुकी है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री गोरक्षपीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ ने कहा, महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज एवं महंत अवैधनाथ जी महाराज ने राष्ट्र धर्म को सभी धर्मों से ऊपर माना। उन्होंने माना कि भारत को यदि भारत बने रहना है तो इसकी कुंजी सनातन हिंदू धर्म एवं संस्कृति में है। महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज आनंद मठ की सन्यासी परंपरा के वे साक्षात प्रतिमूर्ति थे। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भी तत्कालीन गोरक्षपीठाधीश्वर के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने का आरोप लगा। चौरी चौरा कांड में महंत दिग्विजयनाथ जी को आरोपित किया गया। ये घटनाएं इस बात की प्रमाण है कि गोरक्षपीठ ने उस सन्यासी परंपरा का अनुसरण किया जो मानती रही है जो राष्ट्र धर्म ही हमारा धर्म है। राष्ट्र की रक्षा भी सन्यासी का प्रथम कर्तव्य है। गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वरों द्वारा प्रारंभ की गई ये परंपरा आगे भी निरंतर चलती रहेगी। श्री गोरक्षपीठ द्वारा संचालित सभी संस्थाएं जहां भी जो भी अच्छा हो उसके साथ खड़ी हों और उसके साथ चलें। महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने कहा कि हमारे पूर्व के पीठाधीश्वर ने में ये स्पष्ट संदेश दिया है कि व्यक्तिगत धर्म से राष्ट्र धर्म बड़ा है। यदि व्यक्ति का विकास चाहिए तो राष्ट्र का विकास उसकी अनिवार्यता शर्त है। समर्थ भारत और समृद्धि की पूरी परिकल्पना भारत के संविधान में निहित है। भारत के अनेक मनीषियों एवं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने भारत का जो संविधान हमें दिया है वो उसी भारत के निर्माण का आधार है। जैसा भारत हम चाहते हैं इसलिए भारत और भारत की व्यवस्था भारत के संविधान से चलेगी, किसी फतवे से नहीं। भारत की ऋषि परंपरा एवं भारत के संत परंपरा ने जिस भारत की परिकल्पना प्रस्तुत की है उसे हमें भारत के संविधान में देख सकते हैं। भारतीय संस्कृति में छुआछूत ऊंच नीच जैसी किसी भेदभाव को स्थान प्राप्त नहीं है और यही बात भारत का संविधान भी कहता है। श्री गोरखनाथ मंदिर में सभी पंथों के योगी महात्मा रहते हैं। दोनों ब्रह्मलीन महंत जी महाराज ने हिंदुत्व को ही श्री गोरखनाथ मंदिर का वैचारिक अधिष्ठान माना। आज गोरखपुर में जो कुछ भी गौरव प्रदान करने वाली चीज़ें हैं उन्हें पूज्य दोनों ब्रह्मलीन संतों का सर्वाधिक योगदान रहा। जब वाराणसी में विश्वनाथ जी के मंदिर में दलितों का प्रवेश वर्जित था तब महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने अपने आंदोलन के माध्यम से मंदिर का दरवाज़ा सबके लिए खुलवाया। इसी प्रकार मेरे गुरुदेव परम पूज्य राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज ने मीनाक्षीपुरम में दलितों को सम्मान दिलाने के लिए आंदोलन किया तथा उनके साथ बैठकर सहभोज कर हिंदू समाज को जोड़ने का काम किया। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की संस्थाएं दोनों ब्रह्मलीन मांझी महाराज के सपनों को साकार करने में अपनी पूर्ण सामर्थ्य का उपयोग करें, यही उन्हें वास्तविक श्रद्धांजलि होगी। अरैल आश्रम प्रयाग से पधारे स्वामी गोपाल जी महाराज ने कहा, 118 वर्ष पूर्व भारत के क्षितिज पर व्याप्त प्राधीनता का अंधकार दूर करने के लिए योगी राज बाबा गंभीर नाथ जी ने जो दिया जलाया उसका निर्माण मेवाड़ की स्वाभिमानी धरती में हुआ है। आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के साथ इस पीठ के पीठाधीश्वरों ने कभी समझौता नहीं किया। पीठाधीश्वरों के शरीर बदले किंतु प्राण और आत्मा वही रही। परिणामता महंत अवैधनाथ जी महाराज और अब उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज प्रखर राष्ट्रवाद के ध्वजवाहक बने। पूर्व सांसद एवं वशिष्ठ आश्रम अयोध्या के डॉक्टर राम विलास वेदांती ने कहा कि वर्तमान युग में साधु संतों को मठ मंदिरों से बाहर निकालकर देश और समाज के लिए काम करने का मार्ग इस पीठ ने दिखाया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व सर संचालक
श्री रज्जू भैया ने एक बार कहा कि सन 2020 तक भारत का नेतृत्व आध्यात्मिक विचारधारा के व्यक्ति के हाथों में होगा और विश्व पटल पर भारत एक अजय राष्ट्र बनकर उभरेगा। मोदी योगी आज उस भविष्यवाणी के प्रतिफल हैं। ये दो व्यक्ति नहीं बल्कि राष्ट्र के वैचारिक अधिष्ठान के प्रतिकूल हैं। इस पीठ के पीठाधीश्वरों को जन और धन का जितना व्यापक समर्थन मिला है उतना शायद ही किसी पीठ को मिला हो, लेकिन उस व्यापक जन समर्थन को इस पीठ ने राष्ट्र और समाज के हित में समर्पित कर दिया। इस पीठ के पीठाधीश्वर आध्यात्मिक परंपरा एवं ऊर्जा के प्रतिनिधि हैं। महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज एवं महंत अवैधनाथ जी महाराज इसी परंपरा के निर्माण करता है। कालिका मंदिर दिल्ली से पधारे महंत सुरेंद्रनाथ जी महाराज ने कहा कि गोरक्षपीठ की ये श्रद्धांजलि सभा इसलिए विशिष्ट है कि संसद और विधानसभाओं में राष्ट्र और समाज से संबंधित जिन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा नहीं हो पाती वो विषय इस श्रद्धांजलि सभा में विचार किए जाते हैं। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर की ओर से प्रतिकुलपति प्रोफेसर श्रीकांत दीक्षित ने श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए कहा कि महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने यदि अपने दो महाविद्यालयों सहित पूरी संपत्ति विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु दान न की होती तो गोरखपुर में विश्वविद्यालय का सपना अधूरा रहता। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने महंत जी के निर्देश पर अपना पूरा योगदान दिया और आज गोरखपुर उच्च शिक्षा का एक प्रतिष्ठित केंद्र बना हुआ है। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद तब से अब तक गोरखपुर विश्वविद्यालय को अपनी संस्थाओं की तरह ही संरक्षित और संवर्धित करती रही है। श्रद्धांजलि समावेश महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की सभी संस्थाओं की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्री बौद्धनाथ यादव, डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह, डॉक्टर प्रदीप राव, प्रोफेसर सुमित्रा सिंह, डॉक्टर अर्चना गुप्ता, डॉक्टर अरविंद कुमार चतुर्वेदी, श्री सुधीर कुमार सिंह, श्रीमती पुष्पा सिंह, माधवेंद्र राज, श्रीमती सरोज सिंह, डॉक्टर कलाधर पौंडयाल, डॉक्टर चंद्रजीत यादव, डॉक्टर शशि प्रभा सिंह, डॉक्टर अविनाश प्रताप सिंह, डॉक्टर कामेश्वर सिंह, डॉक्टर डीपी सिंह, सुश्री निमिषा चौबे, डॉक्टर आरपी सिंह, रमेश उपाध्याय, अश्वनी मिश्र, श्रीमती मालती श्रीवास्तव, श्री हरिकेश तिवारी, श्रीमती रंजना सिंह, विजेंद्र सिंह, मणिन्द्र मोहन द्विवेदी, श्रीमती संध्या पांडे ने अपनी अपनी संस्थाओं की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। संक्षिप्तता के निवेदन के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ महाराष्ट्र कृषक केंद्र कार्यकर्ता दोनों गोरखपुर के प्रति श्री सुधीर कुमार सिंह। अपने उद्देश्यों के प्रति हम सबके प्रदेश की एक बैंक सूची जारी हुई जिसमें अपनी महाराष्ट्र पॉलिटेक्निक संस्था माना प्रताप सीनियर सेकेंडरी स्कूल दतिया जो है 1950 में जो है विश्वविद्यालय अधिनियम जो है पास हुआ और महंत दिग्विजयनाथ जी के अगुवाई में जो है यहाँ पर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और उस समय प्रथम मुख्यमंत्री ने यह कहा कि आप विश्वविद्यालय कैसे स्थापित करेंगे क्योंकि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अभी अवेलेबल नहीं है तो कुछ ना कुछ होना। जो उनका कॉलेज था महाराणा प्रताप कॉलेज डिग्री कॉलेज उसको उन्होंने समर्पित कर दिया और वहाँ पर ही पहले विश्वविद्यालय की पढ़ाई प्रारंभ हुई जो दिग्विजयनाथ कॉलेज परिसर में है और एक परिसर जो है विश्वविद्यालय को हमेशा के लिए प्राप्त हुआ और 1950 में विश्वविद्यालय की आधारशिला की गई। तब से लगातार यह जो महाराणा शिक्षा परिषद है वह विश्वविद्यालय की स्थापना में और उसके चतुर्थ विकास में लगातार योगदान कर रहा है। एक बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी जब गुणवत्ता के आधार पर जो कि पहले होता था 55% से ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाले अध्यापक गुड सेकंड क्लास की श्रेणी में माने जाएंगे और उन्हीं को विश्वविद्यालय में अध्यापन का जो है मौका प्रदान किया जाएगा। तो ऐसे कुछ हमारे शिक्षक यहाँ पर थे जो सेकंड क्लास थे तो महंत दिग्विजयनाथ जी ने महाराज ने उस मुख्यमंत्री से कहा कि आप प्रकार का भेदभाव करेंगे हम अपनी शिक्षा संस्था को आपसे अलग करते हैं उन्हीं के लिए। तो मुख्यमंत्री जी के अगुवाई में उन्होंने कहा कि शिक्षा सचिव को बुलाया और उन्होंने कहा कि नहीं किसी भी प्रकार का वो नहीं होना चाहिए और विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए। तब से लगातार आप सोचते हैं कि 28 जिलों में यह विश्वविद्यालय फैला हुआ
विश्वविद्यालय बन गए, अवध विश्वविद्यालय बना, पूर्वांचल विश्वविद्यालय बना, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय बना, बलिया में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और कई विश्वविद्यालय यहाँ से स्थापित हुए हैं। तो बहुत बड़ा योगदान इसे पीठ का रहा है और महंत दिग्विजयनाथ जी का रहा है। महंत दिग्विजयनाथ जी राष्ट्र संत थे और वे लगातार शिक्षा के प्रचार प्रसार में अपनी भूमिका का निर्वहन करते थे और सामाजिक सद्भाव के लिए उत्तर पर थे। इसी प्रकार से महंत अवैधनाथ जी भी बहुत बड़े योगी पुरुष थे और उन्होंने लगातार महंत दिग्विजयनाथ के द्वारा संस्थापित सद्भाव के बारे में हमें बता दिया। जो 2017 का चुनाव है, 2017 के चुनाव में जब गोरखपुर के महंत
केवल और केवल गुरुवार को है
अन्य देशों के अध्यक्षों को आमंत्रित कर रहे हैं। जान फूट देने वाले विचार
महापुरुषों की कृपा ये गौर छपें। वैसे तो पूरे पूरा नाथ संप्रदाय को सिद्ध महापुरुषों का संप्रदाय कहा जाता है, पूरे नाथ संप्रदाय को सिद्ध महापुरुषों के रूप में जाना जाता है, परंतु यहाँ पर गौर छपें के अंदर जितने महापुरुष हुए वो सिद्ध महापुरुष हुए। उसी तरह और सुनने वाले का व्यक्ति भी
देगा। और मैं कहना चाहता हूं इन बाल बालिका के देश के होनहार है, कारण भाग है, हमें पूरे देश के एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना है जिस वातावरण में भयमुक्त समाज का वातावरण होना चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त का जो है वातावरण पैदा होना चाहिए, हमारे भाईचारे के वातावरण को तैयार करना है। और दूसरी बात, इस देश के अंदर बहुत सी समस्याएं हैं, पिछले साधारण व्यक्ति के आज के मुख्यमंत्री प्रदेश के अंदर हो गए, इसलिए इसके बाद किसको करना है।
आदित्यनाथ योगी आदित्यनाथ महाराज और देश में अगर कोई चला रहा है तो उसका नाम है नरेंद्र भाई मोदी। तो हमने तो इस मंच पर कहा था मोदी और योगी की जोड़ी इस देश के अंदर एक ऐसे वातावरण का निर्माण करेगी और इन्हीं भावनाओं के साथ मैं जो कोष हमारे महाराज और युगकोश और हमारे हिंदू के सम्राट महान अवैधनाथ महाराज को महापुरुषों क्योंकि मैंने महान अवैधनाथ 35 वर्षों से मैं यहाँ पर आ रहा हूँ 35 वर्षों से महाराज से चर्चा चल रही थी पुराने इतिहास के बारे में बहुत सा प्रकाश उन्होंने मुझे बैठे बैठे साझा मेरे साथ करते रहे एक ऐसी परंपरा को महापुरुषों को स्मृति दिवस के अवसर पर उन्हें अपनी श्रद्धा समर्पित कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि मेवाड़ के राणा वंश में पैदा होने के बाद गोरक्षदी इस योगी परंपरा को आगे बढ़ाने और इसके माध्यम से एक योगी एक भारत के सन्यासी परंपरा का पालन करते हुए इस देश इस धर्म और समाज के लिए प्रत्येक नागरिक के ऊपर समाज का राष्ट्र का जो ऋण है उस ऋण से मुक्त होने के लिए जो भी उपक्रम हो सकते थे और प्रभु महान दिग्विजयनाथ जी महाराज ने अपने पूरे जीवन पर्यंत अपने सूरत का निर्माण करके उन क्षेत्रों में उस प्रकार के कार्यक्रम किए और यही प्रवीण गोरक्ष पिलाधेश्वर की स्मृति में यह साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह का कार्यक्रम आयोजित करती है। मेरे पूज्य गुरुदेव महंत वैद्यनाथ जी महाराज लगातार उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जिन मूल्यों के लिए जिन आदर्शों के लिए महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने अपना जीवन जिया था उन विशेष सम्मेलनों के माध्यम से समाज की चेतना को जागरूक करने समाज में जागरूकता पैदा करने का कार्यक्रम साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह के माध्यम से होता चला रहा है। आप जानते हैं कि महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज का इस दीप पर आगमन यह प्रभु की कृपा का एक प्रसाद है। उन्हें सामने प्राप्त हुआ था यहाँ पर उस कालखंड के सिद्ध योगी बाबा गंभीर नाथ जी का। बाबा गंभीर नाथ जी बहुत बड़े सिद्ध योगी थे। उनकी सिद्ध योगी चमत्कार के प्रभाव से पूरा भारत पूरी तरीके से उनके बारे में श्रद्धा का भाव रखता था। का वो स्वरूप जो आजादी के पहले जिसने मध्यकाल के विभिन्न आक्रांताओं के उन विपरीत विध्वंसात्मक सोच की चपेट में आकर के अनेक प्रकार की उन परिस्थितियों को छेला उनका सामना किया लेकिन कभी भी
आधार सेवा अपने महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज ने रखी। मेरे पूज्य गुरुदेव अपने महंत विद्यनाथ जी महाराज ने उसको एक नई ऊंचाइयां दी, एक नया स्वरूप दिया। अनुमान करिए 1932 में महात्मा शिक्षा परिषद की स्थापना हुआ और अस्मित के पास साधन नहीं थे लेकिन इच्छा शक्ति थी। मंदिर का प्रांगण का बहुत छोटे से दायरे तक के सीमित था क्योंकि मध्य काल के आक्रांताओं की चपेट में उंगली खाई थी। उसके कारण एक विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए जब इस अभियान को हमने आगे बढ़ाया, आज गोरखस्पीठ का वर्तमान स्वरूप आपके सामने है। गोरखस्पीठ के द्वारा संचालित शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सेवा के हक्का है, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में है, समाज जीवन का हो, धर्म जीवन का हो, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जो भी कार्य आप वर्तमान में चल रहे हैं, ये बाबा गंभीर नाथ जी की प्रेरणा थी, उनका आशीर्वाद था। तो सचमुच इस पीठ पर बाबा महावीर भगवान गोरखनाथ जी की ही एक विभूति थी और वही परंपरा आगे बढ़ती है जिसने इस पीठ के विकास के लिए, इसके सर्वांगीण विकास के माध्यम से संपूर्ण समाज और संपूर्ण राष्ट्र के कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। उन दो विभूतियों की स्मृति में हम लोगों ने यह साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह के कार्यक्रमों को आयोजित किया है। मुझे प्रसन्नता है कि सम्मेलन जो भी यहाँ पर हुए बहुत अत्यंत रोचक सम्मेलन थे, महत्वपूर्ण सम्मेलन थे, जिसने प्रथम सम्मेलन की भारत लोक कल्याण भारतीय संस्कृति का अपना हिस्सा है, कितना महत्वपूर्ण बातें छंकर के आए होंगे। सामान्यतः बोलने के लिए किसी एक विषय को लेकर के हम बात कर सकते हैं लेकिन जब एक विषय विशेष को लेकर के हमें बात करनी हो और उसके माध्यम से भारतीय संस्कृति की विशेषता का जानना हो तो हमारे धर्मस्थलों के द्वारा प्रारंभ किए जा रहे जितने भी कार्यक्रम है, आप किसी भी धर्मस्थल में देश के अंदर जाएंगे वहां पर किसी भी दीन दुखी के रहने की व्यवस्था, उसको दो समय भोजन की व्यवस्था, संस्कृत पाठशालाओं का संचालन जिनके पास साधन होने के शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं को, सेवा के प्रकल्पों को, स्वास्थ्य के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। बहुत सारे आश्रम अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने कार्यक्रम किए। सब लोग कल्याण अभियान ज्ञान ये भारतीय संस्कृति की प्रेरणा है, भारत की ऋषि परंपरा का प्रसाद है, हमारे ऋषि मुनियों के आशीर्वाद का प्रतिफल है और उस परंपरा को स्वरूप में आगे बढ़ाने का कार्य आज भी भारत के अंदर विभिन्न धर्मस्थलों के द्वारा, विभिन्न मत संप्रदाय के अंदर, धर्मस्थलों के द्वारा पूरे देश के अंदर हो रहा। अगला सम्मेलन यहाँ पर संस्कृत और संस्कृति सम्मेलन, आप सब जानते हैं संस्कृत एक देववाणी है, भारतीय संस्कृति की आधार है। संस्कृति नहीं होगी तो राष्ट्र का यह आवरण भी बहुत दिनों तक निकाल जाएगा, समय निसंदेह खड़ा हो जाता है। इस विषय पर महत्वपूर्ण सम्मेलन यहां पर होते हैं, महत्वपूर्ण गोष्ठी यहां पर हुई। समाज की व्यवस्था परस्पर समरसता चलते चलेगी, समतामूलक समाज की स्थापना होनी चाहिए, हमारे संतों हमारे ऋषियों की उद्घोषणा रही है। जो अछूत और सुपृश्यता भारतीय समाज का हिस्सा नहीं हो सकता, ऊंच नीच का भाव भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं हो सकता, ये शास्त्र सम्मत नहीं हो सकता। यह भाव की हम लोगों ने इस रूप में व्यक्त करने का प्रयास किया इस सामाजिक समरसता सम्मेलन के माध्यम से। तीसरा सम्मेलन यहाँ पर आयोजित हुआ था, चतुर्थ सम्मेलन भारतीय संस्कृति में गो सेवा का महत्व, हम सब जानते हैं गो सेवा कितना भारी महत्व है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी यहाँ पर आए, कितना महत्वपूर्ण उनका उद्बोधन था। एक गाय अगर किसी परिवार के पास है और दूध देती है नहीं देती है, अगर उस गाय को सही रूप से इस्तेमाल करे
वहां 30 एकड़ खेती के लिए उपयोगी हो सकती है। और जहां पर व्यक्ति अपने पुरुषार्थ का परिचय देगा, सफलता नाम निर्माण तय है। और जिन लोगों ने भी जब भी इस क्षेत्र में गए उन्हें सफलता प्राप्त हुई, आपने उनके महत्वपूर्ण उद्बोधन को देखा होगा, क्योंकि उन्होंने इस क्षेत्र में कार्य किया। कितनी महत्वपूर्ण बात की थी, यदि 3 दिनों की भारी अतिवृष्टि के कारण पंजाब हरियाणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लाखों हेक्टेयर खड़ी फसल नष्ट हुई है, लेकिन आचार्य देवव्रत की गुरुकुल में जो उनका फार्म हाउस है वहां पर उनकी खेती होती है, जो कि विशुद्ध जीरो बजट खेती के माध्यम से वो मात्रा के प्रसाद के माध्यम से उसको उन्होंने संचालित किया। एक भी धान का डंठल या गन्ने का डंठल गिरा नहीं, फसल की वैसे की वैसे खड़ी है, नगर के आसपास के सभी खेतों की फसल चलवा होकर के कष्ट हो रही है। लेकिन हम उस दिशा में बढ़ना नहीं चाहते और इससे उन्हें महत्वपूर्ण बोधन यहां पर हुआ। और कल यहां पर स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छता का हमारे जीवन पर, हमारे व्यक्तिगत जीवन पर, हमारे सामाजिक जीवन पर, हमारे राष्ट्रीय जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है, इससे संबंधित सम्मेलन भी कल यहां पर संपन्न हुआ होगा। पूज्य स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज का सानिध्य और आशीर्वाद आपको प्राप्त हुआ होगा, अनेक पूज्य संतों का वक्ताओं का सानिध्य प्राप्त हुआ होगा। ये 5 महत्वपूर्ण सम्मेलन 5 अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए सम्मेलन है। इन सभी कार्यों को लेकर आप देखते होंगे वर्कशीट है इस पूरे मंदिर प्रांगण में, आज से नहीं वर्षों से प्रातः 3 बजे से 4 बजे तक मुख्य मंदिर में पूजा होती है, 4 बजे से 5 बजे तक सभी मंदिरों में पूजा होती है, और 5 बजे के पहले पहले यहाँ का हर कर्मचारी, हर साधु संत, हर जो भी अतत्व होता है इस कैंपस में निवास करने वाला व्यक्ति होता है, झाड़ू लेकर के पहले सफाई के कार्यक्रम में लगता है। यानी सफाई पहला, स्वच्छता का पहला अभियान यहाँ पर, मतलब एक बार पूरे प्रांगण में सफाई हो जाती है, कूड़े का निस्तार हो जाता है, तब नगर निगम के कर्मचारी सफाई के लिए आते हैं। और यहाँ से बहुत पहले से चला रहा है, और इसलिए स्वच्छता के उस मानक पर इस गोरखस्वीप ने अपने आप को खड़ा कर सका। हमारे धर्म स्थल कैसे होने चाहिए, हमारे शैक्षणिक स्थल कैसे होने चाहिए, हमारे सार्वजनिक स्थल कैसे होने चाहिए, हमारे कार्यालय, हमारे हॉस्पिटल कैसे होने चाहिए, ये स्वच्छता का मिशन उसके लिए एक आधार बन सकता है। इस देश को प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति इस बात के लिए आभार व्यक्त करना चाहिए कि उन्होंने इस देश को एक बार पुनः भारत की स्वच्छता के प्रति, भारतीय संस्कृति, भारतीय शास्त्रों की स्वच्छता के प्रति जो आग्रह रहा है उसको एक बार पुनः झकझोरने का प्रयास किया है, और उसके परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार के लोगों के जीवन में परिवर्तन हुआ है। स्वच्छता के माध्यम से बदलता हुआ जीवन स्तर, लोगों की सोच का स्तर, बीमारियां दूर होती जा रही है। जब व्यक्ति स्वस्थ होगा तो समाज स्वस्थ होगा, और जब समाज स्वस्थ होगा तो राष्ट्र स्वस्थ और सशक्त होगा। इस भाव को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम कल इस संगोष्ठी के माध्यम से यहाँ पर हमारे वक्ताओं ने आप सबके सामने व्यक्त किया होगा। और आज जीवन के विभिन्न क्षेत्र, जैसे बहुत विस्तृत क्षेत्र जिसके लिए महंत ने विजयनाथ जी महाराज ने अपना जीवन जिया था, जो शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाएं हैं, इन सभी संस्थाओं में 50,000 से अधिक विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं, 5,000 से अधिक शिक्षक प्रशिक्षक और कर्मचारी पूरे अभियान के साथ जुड़े हुए हैं। अगर उसकी योग हुई है तो महान दिग्विजयनाथ जी महाराज हैं, उसको आगे बढ़ाने का श्रेय अगर किसी को दिया जा सकता है तो महान दिग्विजयनाथ जी महाराज को दिया जा सकता है। उन्होंने कभी किसी बात की चिंता नहीं की, वे केवल अपने
लोक कल्याण के संज्ञान को लेकर के चलते रहे। कौन क्या बोल रहा है इसकी बहुत चिंता नहीं, क्योंकि समाज प्रगति तब करता है जब एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ता है। जब भी नकारात्मक सोच सामने आएगी व्यक्ति की प्रगति बाधित हो जाएगी, और जहां पर व्यक्ति अपने पुरुषार्थ का परिचय देगा सफलता नाम के मान लय। और जिन लोगों ने भी जब भी इस क्षेत्र में गए उन्हें सफलता प्राप्त हुई, आपने उनके नेतृत्वोधन को देखा होगा क्योंकि उन्होंने उस क्षेत्र में कार्य किया। कितनी महत्वपूर्ण बात की थी, यदि 3 दिनों की भारी अतिवृष्टि के कारण पंजाब हरियाणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लाखों हेक्टेयर खड़ी फसल नष्ट हुई है, लेकिन आचार्य देवव्रत की गुरुकुल में जो उनका फार्म हाउस है वहां पर उनकी खेती होती है, जो कि विशुद्ध जीरो बजट खेती के माध्यम से वो मात्रा के प्रसाद के माध्यम से उसको उन्होंने संचालित किया। एक भी धान का डंठल या कन्ने का डंठल गिरा नहीं, फसल उनकी वैसे की वैसे खड़ी है, नगर के आसपास के सभी खेतों की फसल चलमान होकर के नष्ट हो रही है। लेकिन हम उस दिशा में बढ़ना नहीं चाहते और इससे उन्हें दुखों बोधन यहां पर हुआ। और कल यहां पर स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छता का हमारे जीवन पर, हमारे व्यक्तिगत जीवन पर, हमारे सामाजिक जीवन पर, हमारे राष्ट्रीय जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है, इससे संबंधित सम्मेलन भी कल यहां पर संपन्न हुआ होगा। पूज्य स्वामी चेन्नानंद जी महाराज का सानिध्य और आशीर्वाद आपको प्राप्त हुआ होगा, अन्य पूज्य संतों का वक्ताओं का ये 5 महत्वपूर्ण सम्मेलन 5 अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए सम्मेलन थे। इन सभी कार्यों को लेकर आप देखते होंगे वर्कशीट है इस पूरे मंदिर प्रांगण में, आज से नहीं वर्षों से प्रातः 3 बजे से 4 बजे तक मुख्य मंदिर में पूजा होती है, 4 बजे से 5 बजे तक सभी मंदिरों में पूजा होती है, और 5 बजे के पहले पहले यहाँ का हर कर्मचारी हर साधु संत हर जो भी अतत्व होता है इस कैंपस में निवास करने वाला व्यक्ति वो झाड़ू लेकर के पहले सफाई के कार्यक्रम में लगता है, यानी सफाई पहला स्वच्छता का पहला अभियान। यहाँ पर जब एक बार पूरे प्रांगण में सफाई हो जाती है, कूड़े का निस्तार हो जाता है, तब नगर निगम के कर्मचारी सफाई के लिए आते हैं और यहाँ से बहुत पहले से चला रहा है। और इसलिए स्वच्छता के उस मानक पर इस वर्कशीट ने अपने आप को खड़ा कर सका। हमारे धर्म स्थल कैसे होने चाहिए, हमारे शैक्षणिक स्थल कैसे होने चाहिए, हमारे सार्वजनिक स्थल कैसे होने चाहिए, हमारे कार्यालय हमारे हॉस्पिटल कैसे होने चाहिए, ये स्वच्छता का मिशन उसके लिए एक आधार बन सकता है। इस देश को प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति इस बात के लिए आभार व्यक्त करना चाहिए कि उन्होंने इस देश को एक बार पुनः भारत की स्वच्छता के प्रति, भारतीय संस्कृति की, भारतीय शास्त्रों की स्वच्छता के प्रति जो आग्रह रहा है उसको एक बार पुनः झकझोरने का प्रयास किया है, और उसके परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार के लोगों के जीवन में परिवर्तन हुआ है। स्वच्छता के माध्यम से बदलता हुआ जीवन स्तर, लोगों की सोच का स्तर, बीमारियां दूर होती जा रही है। जब व्यक्ति स्वस्थ होगा तो समाज स्वस्थ होगा, और जब समाज स्वस्थ होगा तो राष्ट्र स्वस्थ और सशक्त होगा। इस भाव को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम कल इस संगोष्ठी के माध्यम से यहाँ पर हमारे वक्ताओं ने आप सबके सामने व्यक्त किया होगा। और आज जीवन के विभिन्न क्षेत्र लेकर बहुत विस्तृत क्षेत्र जिसके लिए महामंत्री विजयनाथ जी महाराज ने अपना जीवन जिया था, शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाएं हैं, इन सभी संस्थाओं में 50,000 से अधिक विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं, 5,000 से भी शिक्षक प्रशिक्षक और कर्मचारी पूरे अभियान के साथ जुड़े हुए हैं। अगर उसकी योग कोई है तो महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज हैं, उसको आगे बढ़ाने का श्रेय किसी को दिया जा सकता है तो
महंत अवेद्यनाथ जी महाराज को याद सकता है जिनकी कृपा हम
सकते हैं और देश को अपना उत्थान भी कर सकते हैं। और उत्थान के सामने जो एक नया प्रयास प्राप्त हुआ है वो जो संतों का आकर्षण उनकी प्रेरणा से गोरखस्पीड के गुरु आचार्य के द्वारा जो समय समय पर आशीर्वाद दिया गया आशीर्वाद का परिणाम स्वरूप है आज गोरखस्पीड शिक्षा में अंतर आगे बढ़ रहा है। गोरखस्पीड से जुड़े हुए मानवता शिक्षा परिषद से संबंध सभी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं से कहूंगा वे जो भी अच्छा जहां भी हो उस अभियान के साथ जुड़े उस अभियान के साथ में जुड़ना होगा। महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज और महंत वेद्यनाथ जी महाराज इन महापुरुषों के प्रति श्रद्धांजलि एक औपचारिकता नहीं होनी चाहिए या भारत की संत परंपरा के प्रति सम्मान का भाव एक औपचारिकता नहीं होनी चाहिए। भारत भारत इसलिए है क्योंकि भारत को दुनिया के अंदर गौरव प्राप्त हुआ है कि भारत की एक समृद्ध ऋषि परंपरा संतों की परंपरा धर्माचार्य की परंपरा का आशीर्वाद सदैव इस परंपरा के साथ जुड़ा रहा है। हर कालखंड में हर क्षेत्र में संतों की जो मार्गदर्शन करती है एक नई दिशा देती है उन अच्छाइयों का प्रमाण कर सके उस दिशा में आगे बढ़ सके या कार्य मानवता शिक्षा परिषद से संबद्ध सभी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं को करना होगा। आज के अवसर पर मैं एक बार पुनः अपने सभी पूज्य जो हमारे धर्माचार्य गण आए हैं संत गण आए हैं अन्य सम्मानित तकदीर गण आए हैं उन सबको हृदय से साधुवाद देता हूं। आज जब हम लोग युक्रोश ब्रह्मे महंत विजयनाथ जी महाराज इस अवसर पर मैं गोरखस्पीड की ओर से इस जिस शिक्षा परिषद के स्थापना 1932 में महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने शैक्षिक भ्रमण जागरण पूर्वी उत्तर प्रदेश में की थी इस महापुरा शिक्षा परिषद की ओर से गोरखपुर के सभी वासियों की ओर से उनके शिक्षाओं में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि उनकी प्रेरणा हम सबको निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करके रहेगी। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं धन्यवाद जय।